हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 12th का अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आशा करेंगे कि आज ये अपना अल्कोहल वाला पार्ट पूरा हो जाए। देखो, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अल्कोहल में अंतर परिवर्तन पढ़ा था कि हम लोग निम्नतर सदस्य से उच्चतर सदस्य कैसे बनाएंगे और उच्चतर सदस्य से निम्नतर सदस्य कैसे बनाएंगे। दूसरी चीज हम लोगों ने उसी को अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अल्कोहल की कार्बन श्रृंखला में आरोहण और अल्कोहल की कार्बन श्रृंखला में अवरोहण, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। ओके, आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग अपना पढ़ेंगे कि जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। और ये मान लो हर 2-3 साल से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। और इसके मेथड तो 5 है, बट इसके 2 ही मेथड है जो अल्टरनेटली पूछे जाते हैं। कभी वो पूछ लिया जाता है, कभी वो पूछ लिया जाता है। तो वो अलग चीज है कि आप लोगों को कौन सा पूछे, क्या पूछे, कौन सी साल में क्या पूछ ले, बट आपको दोनों अच्छे से याद रखने हैं। बाकी 5 मेथड है वो आप लोग अच्छा से याद रखो नहीं रखो, वो पहले रिएक्शन में आ गए वही सब है। बट 2 मेथड इसके अच्छे से इंपॉर्टेंट से, पहले मैं वही पढ़ाऊंगी और उसके बाद हम लोग अल्टरनेटली 3-4 पे और चलेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो अपना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। और ये इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल लेना क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपना जो आज का टॉपिक स्टार्ट है वो है अल्कोहल में विभेद या पृथक्करण बोल सकते हैं। अल्कोहल का पृथक्करण हम लोग लैबोरेटरी के अंदर कैसे बताएंगे कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, क्योंकि लैबोरेटरी के अंदर तो आपको ऐसे मिलेगा नहीं कि कार्बन पे अगर 1 R ग्रुप जुड़ रहा है तो वो प्राथमिक, 2 R ग्रुप जुड़ रहे हैं तो द्वितीयक और 3 R ग्रुप जुड़ रहे हैं तो तृतीयक, ऐसे तो आपको लैबोरेटरी में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि लैबोरेटरी के अंदर तो क्या मिलेगा, कुछ ऐसे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, है ना। अब आपको उसको उसमें बताना है प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, देखिए बताना पड़ेगा। अब देखे तो आज तो नहीं बता सकते, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, कुछ उस पर रिएक्शन आजमाएंगे, कौन सी रिएक्शन कौन सी अभी कौन सा अल्कोहल देता है वही आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। तो 2 में से 1 हार्ड है, 1 इजी है। सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना है ल्यूकास परीक्षण। देखिए ल्यूकास परीक्षण क्या होता है कि जो आपका एक ल्यूकास अभिकर्मक होता है, देखिए ल्यूकास अभिकर्मक होता है, इस ल्यूकास अभिकर्मक से जब हम परीक्षण करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकास परीक्षण। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक से अगर हम परीक्षण या टेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, अभी ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, शुष्क ZnCl2 प्लस कंसेंट्रेटेड HCl का सम मोलर मिश्रण। क्या होता है, शुष्क ZnCl2 और कंसेंट्रेटेड HCl का सम मोलर मिश्रण जो होता है वही आपका क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक। Exactly, तो ये आपको अच्छे से इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि ल्यूकास अभिकर्मक ही क्या होता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन, ल्यूकास अभिकर्मक का सूत्र बताइए, शुष्क ZnCl2 प्लस कंसेंट्रेटेड HCl, यही क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में 3 अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है। तीनों में चलते हैं और देखते हैं कि क्या रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम लोग किस पे चलेंगे, प्राथमिक अल्कोहल पे। जब हम प्राथमिक अल्कोहल पे गए, प्राथमिक अल्कोहल सपोज यही होगा CH3CH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल है। इस पर हम लोग क्या डालेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे। ठीक है, तो इस पर हमने क्या डाला, शुष्क ZnCl2 प्लस कंसेंट्रेटेड HCl। जब ये डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कोई अभिक्रिया नहीं होगी जब आप प्राथमिक अल्कोहल पे शुष्क ZnCl2 या कंसेंट्रेटेड HCl या ल्यूकास अभिकर्मक जब डालते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती। जैसा आपने प्राथमिक अल्कोहल लिया है वैसा का वैसा आपका प्राथमिक अल्कोहल बचा रहेगा, यानी कि उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इट मीन्स वो
अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, समझ आया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, दूसरा हमने अल्कोहल लिया, हमें नहीं पता है कि वो कौन सा अल्कोहल है, हमें नहीं पता है कि कौन सा अल्कोहल है। हम लोग को तीन सैंपल दे दिए, तीन टेस्ट ट्यूब्स दे दी, और इन टेस्ट ट्यूब्स में बोल दिया कि ऐसे टेस्ट ट्यूब्स रखिए, ठीक है, आपको इनमें देखना है कि ये कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। आपने एक टेस्ट ट्यूब उठाई और उसके अंदर लुकास अभिकर्मक डाला, ओके, और जैसे ही डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है, इट मीन्स वो कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। दूसरी टेस्ट ट्यूब उठाई, आपको नहीं पता कौन सा है, आपको नहीं पता कौन सा है, बट मैं, मेरे को पता है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। CH3CH OH CH3, सपोज करो कि किस्मत से आपका उसमें सेकेंडरी अल्कोहल था, ठीक है, सपोज करो उसके अंदर ये था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक में क्या होगा, आपने जैसे ही क्या डाला, लुकास अभिकर्मक सूस ZnCl2 प्लस कंसेंट्रेटेड HCl, तो क्या हुआ, रिएक्शन हुई, रिएक्शन संपन्न हुई, और ऑलमोस्ट ये मान लो कि 5 मिनट के बाद हुई, रिएक्शन हुई, लेकिन आपने 5 मिनट तक उसको छोड़ा, तब जाके रिएक्शन आपकी संपन्न हुई। रिएक्शन क्या होगी कि जैसे कि हमने मान लो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल डाला, लुकास अभिकर्मक डाला, तो जैसे आप इसको थोड़ी देर ऐसे हिलाओगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ा धुंधलापन आ जाएगा, टर्पिडिटी हो जाएगी थोड़ा सा, मतलब वो जो अल्कोहल अभी तक प्योरिटी दिख रहा था वो आपको दिखा नहीं, ऐसे मटमैला सा हो जाएगा पूरा, और एक तरीके से जिमना शुरू हो जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन ये रिएक्शन फास्टली नहीं होगी, 5 मिनट के बाद अगर हो रही है, तो इट मीन्स 5 मिनट के बाद क्या हो जाता है, ये किसमें बदल जाता है, CH3CH3CHCl, ठीक है, HCl होता है तो HCl में बदल जाता है, और इसका क्या निकल जाता है, H2। तो अगर ये हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट, ये नहीं है 2 डिग्री अल्कोहल, मैं बता रही हूँ कि अगर 5 मिनट के बाद रिएक्शन हुई है, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद रिएक्शन हो रही है, तो वो कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका होगा। अब मैं बोल रही हूँ कि एक और आपका है, ठीक है, आपका तीसरा टेस्ट ट्यूब आपने लिया, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, उसमें क्या रिएक्शन हुई कि आपने लिया CH3CH3OH, टर्शियरी अल्कोहल है, वही सेम शुष्क ZnCl2 प्लस कंसेंट्रेटेड HCl, आपको नहीं पता क्या है, ये तो आपको पता है क्या है, ये तो वो है लुकास अभिकर्मक, इसको मत भूल जाना क्या है, ये आपको नहीं पता कि कौन सा आपको मिला है, आपको टेस्ट ट्यूब में मिला है। अब जैसे ही आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, लुकास अभिकर्मक डाला, फटाफट रिएक्शन हो गई और प्रेसिपिटेट बना, या फिर उसमें टर्पिडिटी हो गई है, तो क्या होगा, इट मीन्स वो जब तक अल्कोहल होगा, तो जब इंस्टेंट रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, इंस्टेंट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, फटाफट विद इन अ सेकेंड, सेकेंड्स के अंदर ही रिएक्शन हो रही है, तब हमारा कौन सा अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो फिर से देखिए, फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इजी है ना, आप लोग को अलग अलग रिएक्शन पे, देखो ये तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की तो स्ट्रक्चर अब तक तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है, पूरा अल्कोहल आज खत्म करने वाले हैं, और आप पूछोगे कि 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, तो वो तो देखो वो वाली बात हो जाएगी ना कि रामायण पढ़ने के बाद राम पूछते हैं कौन है, ऐसी वाली है ना, तो वो वाला मत करना, आप लोगों को ये वाली स्ट्रक्चर्स तो बनानी आनी चाहिए, वो तो अभी तक आप भी गई होंगी। आप लोग क्या करोगे, ये आपको पता है लुकास अभिकर्मक होता है, जब आप लुकास अभिकर्मक को 1 डिग्री अल्कोहल पर डालते हो, कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, इट मीन्स वो 1 डिग्री है। जब आप लुकास अभिकर्मक को डाल रहे हो और 5 मिनट के बाद रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और जब आप लुकास अभिकर्मक को किसी अल्कोहल में डाल रहे हो और इंस्टेंट रिएक्शन हो रही है, फटाफट रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। समझ आया, ये अपना क्या कहलाता है, लुकास परीक्षण, इजी है। अब थोड़े से टिपिकल वन पे आओ, वैसे हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी रिएक्शन उसमें ज्यादा है इसके अंदर से, तो वो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो आता है विक्टर मेयर विधि, नेक्स्ट जो अपना आते हैं जिससे हम लोग अल्कोहल का विभेद करते हैं, वो अपनी आती है विक्टर मेयर विधि।
अब देखो आप लोग को इसके अंदर थोड़ा सा रिएक्शंस ज्यादा है तो थोड़ा सा बस कॉन्सेंट्रेटली देख लेना, वैसे कुछ हार्ड नहीं है। इस विधि के अंदर क्या होता है, हम लोग को वही अल्कोहल के सैंपल मिलते हैं, हम लोग क्या करते हैं अल्कोहल पे अलग अलग रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं कोई भी अल्कोहल, मैं ये नहीं कह रही कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ठीक है, कोई भी अल्कोहल आपको मिला, ये मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ, इन शॉर्ट मीन्स थोड़ा सा आपको बताने के लिए, ठीक है। आप सबसे पहले जो भी आपको अल्कोहल मिलेगा, जो भी आपको अल्कोहल मिला है उसके रिएक्शन आप सबसे पहले क्या कराओगे, लाल फॉस्फोरस प्लस एच आई के साथ, ठीक है, यानी कि सबसे पहले उसकी फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कराई, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, इस अल्कोहल की रिएक्शन आप फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ कराओगे, ठीक है। फिर आपका कुछ भी कंपाउंड मिलेगा, मैं ये नहीं कह रही क्या मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे अभी प्राथमिक में क्या मिला मिलेगा, ठीक है। मैं तो बस ये बता रही हूँ, रिजल्ट बता रही हूँ कि क्या क्या मिलेगी, ठीक है। आप जब आयोडीन, तो यहाँ पे कुछ आयोडीन वाला कंपाउंड ही मिलेगा, सीधी सी बात है, हम आयोडीन के साथ करा रहे तो आयोडीन वाला कंपाउंड मिलेगा। उसके रिएक्शन आप AgNO2 के साथ कराओगे, जो भी आपका आयोडीन का कंपाउंड मिला है वहां AgNO2 से कराओगे तो AgI तो जाएगा निकल, और यहाँ पे नाइट्रो का कंपाउंड मिल जाएगा। सब समझ आ रहा है कि Ag और ये आयोडीन वाला मिल जाएगा तो नाइट्रो जड़ जाएगा उसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। अब मुझे ये नहीं पता अल्कोहल कौन सा है, अल्कोहल हम आगे चलेंगे, तो नाइट्रो वाला कंपाउंड मिल गया। अब नाइट्रो वाले कंपाउंड से उसके बाद आप उसकी रिएक्शन कराते हो HNO2 के साथ में। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, इस HNO2 के साथ में अलग अलग अल्कोहल अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी कंपाउंड मिला उसकी रिएक्शन आप कराओगे NaOH के साथ में, NaOH के साथ में। तो आपको एक तो कलर मिलेगा रेड कलर, एक मिलेगा आपको ब्लू कलर, और एक आपको मिलेगा कलरलेस। विक्टिमेयर विधि क्या है, इन शॉर्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, वैसे मैं डिटेल से अभी बताने वाली हूँ, लेकिन फिर से ये समझो जाओ ना तो वो समझ आ जाए इजीली। आपने कोई भी अल्कोहल लिया, उसकी फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराई तो आपका आयोडो कंपाउंड मिलेगा, उसकी आप AgNO2 के साथ कराओगे तो कोई AgI वाला कंपाउंड मिलेगा, उसकी आप नाइट्रो वाला, उसकी आप HNO2 के साथ कराओगे कोई भी कंपाउंड मिलेगा, और उसके बाद उसकी NaOH के साथ जब अभिक्रिया कराते हो तो अलग अलग प्रकार के रंग प्रदर्शित होते हैं, लाल रंग, नीला रंग और कलरलेस। अगर लाल रंग प्राप्त हो रहा है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल, ब्लू हो रहा है तो 2 डिग्री, और कुछ भी नहीं हो रहा कलरलेस है तो मीन्स वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अब मैडम ये तो हमारे ऊपर से चला गया है ना, तो क्या करना, थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाना, वापस से सुनना, फिर भी ऊपर से जाए, फिर से थोड़ा सा पीछे ले जाना, फिर से सुन लेना, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ये विधि एक्चुअली में है क्या, किस टाइप से हम लोग करते हैं। तो हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं, एक साथ में ही कर लेंगे, प्राथमिक अल्कोहल की, ठीक है, ये अपनी प्राथमिक अल्कोहल की टेबल, और ये प्राथमिक अल्कोहल, नेक्स्ट अपनी आ जाएगी द्वितीयक अल्कोहल की, तो ये अपनी द्वितीयक अल्कोहल की। बराबर स्पेस मिलना चाहिए, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग एरो लगा लाइन लगा लेते हैं बराबर। और ये हमारे तृतीयक अल्कोहल की, ठीक है ना, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं प्राथमिक। और एक चीज बता देती हूँ, जब आप ना ये आप लोगों ने अल्कोहल वाली चीजें सही लिख ली ना, ये स्ट्रक्चर्स, तो आपकी आगे सारी चीजें सही हो जाएंगी, बस आप स्ट्रक्चर लिखने में दिक्कत कर देते हो। पिछले जो क्लास में जब मैंने पढ़ाया था वहां पे बच्चों को ये पूरी प्रोसेस याद है, फॉस्फोरस आयोडीन लेना है, AgNO2 लेना है, HNO2 लेना है, रिएक्शन ही उल्टी कर रहे हैं जनाब, क्या कर रहे हैं, 3 डिग्री को 1 डिग्री में लिख रहे हैं, 1 डिग्री को 3 डिग्री में लिख रहे हैं, उसका कलर एक्सचेंज हो गया, फिर पूरी रिएक्शन गलत हो गई है ना। तो आपको एटलीस्ट इतना, मतलब अल्कोहल खत्म करने पे है हम लोग, इतना आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होगी, 2 डिग्री अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होगी, और 3 डिग्री अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होगी, एटलीस्ट स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे कि प्राथमिक अल्कोहल क्या है, द्वितीयक अल्कोहल क्या है, तृतीयक, स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले।
तो सपोज करो हमने स्ट्रक्चर लिखी, तो प्राथमिक के अंदर आपको पता है एक ही ग्रुप होता है, ये आपकी प्राथमिक अल्कोहल की। द्वितीयक अल्कोहल में क्या लिखोगे? OH। और तृतीयक अल्कोहल में अब एक एक पे चलते हैं। ये प्राथमिक पे आए हम लोग, सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे फॉस्फरस प्लस आई टू, तो क्या होगा? OH जो होगा वो रिमूव हो जाएगा आयोडीन से, तो आयोडो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2I, ये बना। उसके बाद आयोडो कंपाउंड के बाद हम लोग इसकी रिएक्शन कराते AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां से क्या निकल जाएगा? AgI, इसका Ag और इसका I, तो क्या जुड़ जाएगा? CH3CH2NO2, यानी कि NO2 कहां जुड़ गया? इसके ऊपर। देखो इनको आप ऐसे, ये मैं आपको शो अप करने का तरीका है, ठीक है ना, कि इसे फिर मैं अलग अलग रिएक्शंस दिख जाती है, बुझे पुचड़ नहीं होता, सॉरी ऐसे मिक्स नहीं होता। AgNO2 लिखा, AgNO2 से NO2 बना, ठीक है। अब हम लोग क्या करा रहे हैं, फिर नाइट्रो कंपाउंड के बाद उसकी HNO2 के साथ लिख लिया HNO2। क्या होता है HNO2 की स्ट्रक्चर? OH N double bond O, ये होती है HNO2 की स्ट्रक्चर, OH N double bond O, HNO2, ये होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए कि यहां से देखो दो है, NO2 तो इसके साथ रिएक्शन करेगा क्या? ये तो नाइट्रो खुद ही है, तो ये करेगा, इसके दो हाइड्रोजन और इसका ये ऑक्सीजन, क्या निकल जाए यहाँ से? H2O निकल जाए। क्या निकल जाए? H2O निकल जाए। तो देखिए ध्यान से देखना, ये इधर से बॉन्ड तोड़ेगा और इसके दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, तो क्या बनेगा? CH3 C, दोनों हाइड्रोजन तो चले गए, NO2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड से गया है, दो बॉन्ड से गई है, N और OH, ये बनाना ऑक्सीजन जैसा कुछ कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। अब देखिए इसकी आपने किसके साथ रिएक्शन कराई? NaOH के साथ। जब आप इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा लाल रंग, और जब आपका लाल रंग मिल जाता है वो इंडिकेट करता है कि वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। फिर हम लोग द्वितीयक अल्कोहल पे चलते हैं। द्वितीयक अल्कोहल के अंदर क्या है कि द्वितीयक अल्कोहल में वही हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे इस पे सबसे पहले फॉस्फोरस प्लस I2, तो बताना जरा क्या बनेगा? CH3, CH, CH3, मैं CH3 को ऊपर लिख रही हूँ, और I बना, ये बना आपका। फिर आपने क्या करा, इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करा दी, AgNO2 के साथ कराई तो AgI निकल गया। आप अपनी कॉपी में जितने बड़े एरो लगा सकते हो वैसे रिएक्शन को ले जा सकते हो, मेरे पास में बोर्ड थोड़ा लिमिटेड है, इट मीन्स मैं आपको थोड़ा ऐसे छोटे छोटे एरो से समझाऊंगी, बट आपको समझ आ जाएगा, ये अच्छी बात है। अब देखिए समझ लेना अच्छे से, बट इसको क्या करना है, AgNO2 के साथ रिएक्शन करानी है, तो Ag और I निकल जाएगा, तो NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? नाइट्रो कंपाउंड मिला आपको। अब हम लोग नाइट्रो कंपाउंड मिलने के बाद क्या कराते हैं, HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो मैं सीधा HNO2 को खोल के लिख देती हूँ OH N double bond O, ये आप लोग लिख लो भी, HNO2 से कराएंगे, ठीक है। HNO2 के साथ कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन थे हमारे पास में, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है, तो अब भी पॉसिबिलिटी है, टेंशन क्यों लेने का। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है और इसका H है, निकल जाएगा H2O, पॉसिबिलिटी तो है ही ना H2O निकलने की, लेकिन कंपाउंड दूसरा बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा हमारा CH3 C CH3 और NO2। अब चूंकि यहाँ से एक सिंगल हाइड्रोजन गया है तो एक सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, तो N double bond O, ये कंपाउंड आपको मिलेगा। फिर आप इसकी कराते हो किसके साथ? NaOH के साथ, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर मिलेगा, क्या बनेगा आपको? ब्लू कलर मिलेगा,
और ये ब्लू कलर मिल रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। आपने कराया 2 डिग्री एल्कोहल को फॉस्फरस प्लस आयोडीन के साथ में अभिक्रिया, तो आयोडो कंपाउंड बना, उसकी AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो AgI बनेगा, फिर ये बन जाएगा नाइट्रो कंपाउंड AgI निकल के, फिर आपने HNO2 के साथ कराई तो अभी भी टेंशन नहीं, एक हाइड्रोजन तो है ही, तो OH के साथ एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एस्ट्रो फिर भी निकल गया, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीम टाइप कंपाउंड बना, ये नाइट्रोसो टाइप कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। उसके जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो चूंकि ये अलग कंपाउंड है इसलिए ब्लू कलर से होगा, और ब्लू कलर से हो रहा है इट मीन्स ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। फिर आप 3 डिग्री पे आओ, 3 डिग्री पे हमने क्या कराया, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ में, तो क्या हुआ, CH3 OH की जगह आई और CH3। फिर आप इसकी किसके साथ करा रहे हो, AgNO2 के साथ, तो AgNO2 के साथ कराओगे तो क्या निकल जाएगा, AgI, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और CH3NO2। समझ आया ना, क्या हो जाएगा, AgI निकल जाएगा तो NO2 वहां पे जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ गया, नाइट्रो कंपाउंड बना। ये लो भाई बॉक्सेस में बंद कर दिया आपकी सहूलियत के हिसाब से। अब हम लोग कराएंगे इसकी HNO2 के साथ में, चूंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल है ही नहीं, तो रिएक्शन होगी क्या, रिएक्शन ही नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लोग की कोई रिएक्शन नहीं होगी, या फिर आप लोग लिख लेना अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया नहीं। अब हमें ऐसे घुस के पता नहीं चलेगा उसके अंदर की रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, वो हम बस अपने आप अंदाजा लगा रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब NS तो फिर भी डालोगे आप लोग, आप लोग को पता थोड़ी ना रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो गई, नहीं हो पता ना, आप लोग फिर उसके अंदर NS डालोगे तो अभी यहाँ पे स्टॉप हो तो जाना, फिर आपने क्या डाला, NaOH। अब इसको एरो को नीचे ही आप लोग देखना, कॉपी के अंदर आप ऐसे ही नीचे एरो को लगा लेना, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने लिखा है, NaOH को डाला उसके अंदर तो क्या होगा, कलरलेस, रंगहीन लिख सकते हो आप लोग, और ये रंगहीन क्या शो कर रहा है कि कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ब्लू कलर क्या शो कर रहा है कि कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। रेड कलर क्या शो कर रहा है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कंप्लीट रिएक्शन कौन दिखाते हैं, 1, 2 और 3 डिग्री कंप्लीट रिएक्शन नहीं दिखाता है, तो ये आपकी कंप्लीट होती है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि को आप अच्छे से समझ लेना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, और ये बहुत ही बार एग्जाम के अंदर क्या है कि बहुत ही चॉइस का क्वेश्चन होता है, बहुत ही बार पूछा जाता है मोस्ट। तो देखिए आप लोग को फिर से एक बार रिएक्शन को थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देती हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे रिएक्शन को ऐसे देख के मतलब ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या ही हो गया। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपको एल्कोहल मिल रहा है उसकी फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करानी है तो आपको आयोडो कंपाउंड मिलेगा, उसकी हम AgNO2 के साथ कराएंगे तो AgI निकल जाएगा, NO2 कंपाउंड मिलेगा, और उसकी हम HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो भी हमें कंपाउंड मिलेगा उसकी हम NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अगर रेड कलर शो रहा है तो 1 डिग्री, ब्लू कलर शो रहा है तो 2 डिग्री, और कलर लेस हो रहा है तो 3 डिग्री। अब देखिए कि हम लोग प्राथमिक में चलते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ कराया तो आयोडो कंपाउंड बना, इसकी AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ से इसका Ag और इसका I, AgI निकल गया, NO2 यहाँ पे जुड़ गया, NO2 जुड़ गया तो क्या बना, CH3CH2NO2 नाइट्रो कंपाउंड बना। इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराओगे, HNO2 की स्ट्रक्चर होती है आपकी OH एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 2 हाइड्रोजन है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय का पता ही हम लोग हाइड्रोजन से लगाते हैं कि जिससे OH जुड़ा है वहां पे हाइड्रोजन की संख्या अगर 2 है तो प्राथमिक 1 है तो द्वितीय और कुछ भी नहीं है तो तृतीय, ऐसे भी लगा सकते हो या फिर आप एल्किल समूह से भी लगाते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन है तो इस ऑक्सीजन के साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल के H2 बन जाएगा तो यहाँ पे बनेगा आपका ऑक्सीम टाइप, ये जो होता है ना एसी डबल बॉन्ड एन ओ एच ये होता है ऑक्सीम बोलते हैं इसको, तो कुछ ऑक्सीम टाइप कंपाउंड बनेगा। इसकी आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराई, जब आप इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको कुछ कलर शो होता है रेड कलर, और ये रेड कलर क्या शो करता है कि ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ये वाला क्लियर हुआ, साफ याद। अब देखिए द्वितीयक एल्कोहल
देखते हैं कि अल्कोहल का क्या है कि हम लोग का जो ओ एच एस कार्बन से वो हमें दो कार्बन से जुड़ा है, इट मीन्स वो बेहतर है। आप लोग देखो स्ट्रक्चर को अच्छे से लिख दोगे तो आगे का आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि स्ट्रक्चर अच्छे से लिखना, क्योंकि ये आगे रिएक्शन स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है। अगर आपने वन को थ्री में, थ्री को वन में लिख दिया तो आगे चाहे आपने पूरा का पूरा सही लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा गलत ही माना जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स को पूरा कॉन्सेंट्रेटली स्ट्रक्चर पे देना कि स्ट्रक्चर हमारी सही लिखी जाए, और आगे रिएक्शन पे भी देना है, ये नहीं कि स्ट्रक्चर सही लिख दिया आगे रिएक्शन में कुछ भी घोटाला कर दिया। अब देखिए फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ कराओगे तो यही हमारा आयोडो कंपाउंड बना, उसके बाद AgNO2 के साथ रिएक्शन कराए तो AgNO2 निकल जाएगा और नाइट्रो कंपाउंड प्राप्त होगा। यहाँ तक रिएक्शन लगभग सब में सेम ही है। आगे ही क्या है, अब हम लोग HNO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जब HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन थे तो ऑक्सीजन के साथ H2 निकला। अब चूंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो OH के साथ क्या निकल जाएगा, H2 निकल गया। तो क्या बना, ये हमारा नाइट्रोजन टाइप कुछ कंपाउंड बना। जब इसके NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो ब्लू कलर मिलता है, वो क्या शो करता है कि 2° अल्कोहल है। फिर तृतीयक अल्कोहल पे चलते हैं, तृतीयक अल्कोहल में फॉस्फोरस प्लस आयोडीन वाला लिया, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन लिया तो ये आयोडो कंपाउंड बना। फिर AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा नाइट्रो कंपाउंड बना। अब चूंकि यहाँ पे इसके बाद पे हम लोग HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं लेकिन हमारे तृतीयक अल्कोहल में कोई भी हाइड्रोजन कार्बन की उपस्थित होता ही नहीं है जिस पर हमारा नाइट्रो जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिस पर ये नाइट्रो जुड़ा हुआ उस पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब कोई हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये HNO2 किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। फिर जब आप इसके फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन कराओ वो तो जो भी स्टेप्स के अंदर है वो सारे डाल लें, तो वो NaOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे कोई भी कलर आपको शो नहीं होगा। इट मीन्स ये क्या है, कलरलेस। तो जब कलरलेस शो हो रहा है इट मीन्स वो क्या है, 3° अल्कोहल। तो लुकास परीक्षण हो गया और विक्टर मेयर विधि हो गई, दो ही विधि आपकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विधि है। उसके बाद दो तीन तीन चार मेथड और है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिग्री अल्कोहल है, वो ऑक्सीकरण विधि, अपचेन विधि या डिग्री हाइड्रोजनीकरण विधि, वो अलग विधि है अपनी, एस्टरीकरण विधि है, ऑक्सीकरण विधि है और बी हाइड्रोजनीकरण विधि है, और ये तीन विधियां हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कैसे क्या हम लोग ज्ञात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये दोनों विधियां अच्छे से याद होनी चाहिए और इन पे इम्पोर्टेंट भी लगा देना, ये दो विधियां हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। लुकास अभिकर्मक से कैसे है कि अगर लुकास अभिकर्मक होता क्या, पहले वो चीज कि लुकास अभिकर्मक ZnCl2 जो शुष्क ZnCl2 प्लस कंसेंट्रेटेड HCl का सम्मोलर मिश्रण जो होता है वो लुकास अभिकर्मक कहलाता है। अगर लुकास अभिकर्मक से आपने अल्कोहल पे रिएक्शन करें, अगर रिएक्शन नहीं हो रही है वहां पे, कोई रिएक्शन शो नहीं हो रही, कुछ भी टर्बिडिटी नहीं हो रही है, टर्बिडिटी या धुंधलापन नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो 1° अल्कोहल लगा। अगर आपने अल्कोहल के अंदर लुकास अभिकर्मक डाला और कुछ 5 मिनट के बाद रिएक्शन होना शो हुआ, इट मीन्स वो क्या आ जाएगा, 2° अल्कोहल लग जाएगा। और आपने रिएक्शन मतलब वो क्या करा, अल्कोहल लिया और आपने उसमें लुकास अभिकर्मक डाला और इंस्टेंटली रिएक्शन क्या हुई, संपन्न हुई, इट मीन्स वो कौन सा डिग्री अल्कोहल होगा, 3° अल्कोहल होगा। तो इस प्रकार से आप लोग लुकास परीक्षण से, लुकास टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि 1° 2° और 3° अल्कोहल कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो वो देखते हैं विक्टर मेयर विधि, तो इसके अंदर मैंने आपको पता ही दिया डिटेल से कि अगर पूरी रिएक्शन के बाद रेड कलर शो हो रहा है तो 1°, पूरी रिएक्शन के बाद ब्लू कलर शो हो रहा है तो 2°, पूरी रिएक्शन के बाद कोई भी कलर शो नहीं हो रहा तो 3°। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, कर सकते हो। आगे के तो तीन जो मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, इतने आप अच्छे से इनको करेंगे। ओके।